लक्सो वाइट ब्रांड है जो कहती है जरा सा मुस्तफ नहीं सॉरी शेरनी दा निक्के जिया शेरा मैं ना कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा अब इसकी तरह होस्ट करना है उसके लिए आपको था हां हां करके बात करनी पड़ेगी कर लेंगे हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे कुल में तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत बेचैन था मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर बहुत पछता रहा था कुल रुशना के पीछे मत पड़ो हर मामले में उसको घसीट लेती हो तुम अब जानते भी हैं वो क्या क्या चालें चल रही है नौफल को हासिल करने के लिए आज भी गुल को वही पार्क में लेके गई है मैं आप सबको गवाह बनाकर अपने पूरे होशो हवास में गुल को तलाश डॉक्टर साहब सब खैरियत है ना जी जी सब खैरियत है कोई परेशानी की बात नहीं बल्कि खुशी की खबर है खुशी की खबर ये माँ बनने वाली सच जी और ये वीक है इसलिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ जो आपको बाकायदगी से खिलानी है और इनकी डाइट का भी बहुत ख्याल रखेगा जी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें बहुत ख्याल रखूंगी मैं इसका और देखिए दवा के साथ उनकी खुराक पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ उनको खिलाएं एक्सक्यूज मी जी की बात है उनको भी आंसू क्यों देखिए अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह आप दोनों मुझसे एक वादा करें बोलो गुल ये बात आप दोनों के अलावा सिर्फ नानी जान को पता होनी चाहिए और किसी को भी नहीं मैं नहीं चाहती कि बच्चे की वजह से मुझ पे तर्स खा के मेरी सुलह करवा दीजिए मगर गुल प्लीज भागो आपको असद भाई की कसम आप दोनों में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा बेपना मसूद बेटा मुझे नौफल से ये उम्मीद नहीं थी वो इस तरह गुल को कटहरे में लाके खड़ा कर दे उसने तस्दीक नहीं की और अपना फैसला सुना दिया मुझे गुल पर पूरा पूरा यकीन है वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती ये सारा किया धरा आफाक का है वही गुल की जिंदगी में जहर घुलना चाहता है मुझे भी गुल पर पूरा यकीन है मुझे उम्मीद है कि सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा रुशना तुम बताओ ये कब आया था और क्यों आया था आफा और किससे फोन पे बात कर रहा था वो क्योंकि गुल का फोन तो मेरे पास था वो दादी जान हम चाट खा रहे थे और बस इतने में वो आ गया नौफल तो कह रहा है कि उसने आफाक को बात करते हुए सुना है गुल से ये कैसे हो सकता है जब उसके पास फोन ही नहीं था दादी जान मेरा फोन गुल के पास था और ना ही मैंने उसे बात करते देखा ना सुना अम्मा जी अब तो फिर एक ही तरीका बाकी रह जाता है वो क्या हम आफाक को बुलवाएं और उससे सारा सच उगलवाएं कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है मगर आपके पास आफाक का नंबर है तुम्हें भी नहीं मेरे पास तो नहीं है फातिमा से लेके देती हूँ मैं फातिमा आई नहीं अभी तक नहीं उसका फोन आया था अभी आ रही है सब खैरियत तो है ना हाँ बेटा अब तो शुक्र है अल्लाह का सब खैरियत है बस गुल का जरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था तो बेहोश हो गई लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है
बेपनाह 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 बेपनाह। कुल मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए बहुत बेचैन था। मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर बहुत पछता रहा था। कोई तुम्हें अब और पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफाक, क्योंकि इसके जो पैरों की जंजीर है वो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूं। नौफिल, नहीं। नौफिल, तुम? हाँ, मैं तुम्हारे रास्ते का खार, तुम्हारे बीच की दीवार। नौफिल, मगर ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा तो अब मुझे बात करने का भी हक नहीं। ठीक है, इजाजत है, छोड़ दो मुझे और अपना लो इसे। नौफिल, मेरी बात को सुनो। बोल, बोल। चलो रुको, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी कर देता हूँ। जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कह दूँ। नौफिल, सुबह से कमरे में बंद हूँ, बाहर निकलो, मौसम इतना अच्छा है, अपने आप को फ्रेश फील करोगे। मेरे लिए तो सारे मौसम एक जैसे, कोई भी मौसम उस वैरानी को दूर नहीं कर सकता। क्यों इतने मायूस हो? जब इंसान अपने जीने की आखिरी उम्मीद भी खो दे तो उसके पास मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसी बातें नहीं करते हुए, उम्मीद जिंदगी है, जब तक उम्मीद कायम रहती है ना, जिंदगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पास तो जिंदगी भी नहीं है, तो एक जिंदा लाश की तरह। ऐसे मत कहो नीतू। तो और क्या करूं भाभी, ये जिंदगी को हर किसी ने खिलौना समझ के उसके साथ खेला, पहले रुशना और अब गुल। देखो, कृष्णा जरूर ऐसी हो सकती है, लेकिन गुल ऐसी है। आप भी उसकी वकालत कर रही हैं। मेरी बात का यकीन नहीं आपको? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है। तुमने जरूर देखा होगा अफाक को, लेकिन उसे गुल ने नहीं बुलाया, किसी और ने बुलाया। क्योंकि गुल का फोन तो दो दिन से बंद पड़ा हुआ है, मुझे दादी ने खुद दिखाया, उनके पास पड़ा हुआ था। किसी और का फोन इस्तेमाल कर सकती है, हाँ पहले भी उसके बुलावे पर आ चुका है। किस किस बात की सफाई देंगे? मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, तुम समझना नहीं चाहते तो तुम भी। और मेरी एक बात याद रखो, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। ये जो बदगुमानी की दीवार तुमने अपने और गुल के बीच में खड़ी की हुई है, जब ये गिरेगी ना, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुमने रफाकत के किन हसीन लम्हों को जाया कर दिया। काश आज तुम गुल के साथ अस्पताल में होते और खुशी की वो खबर खुद सुनते। ये लम्हा तुम्हारी जिंदगी में अब वापस नहीं आएगा। मैं फिर अब एक नई मुसीबत, फूफू का मोबाइल ले सकती तो नंबर डिलीट कर देती, मगर वो आते ही दे देंगी अंकल को फोन। क्या करूं? अब अफाक को गुल की तरफ से मैसेज मिलेंगे, पहले मोहब्बत का इजहार होगा, फिर ताकीद के मेरे घर से किसी का फोन आया और कोई रिसीव ना करना, और मजनू बेचारा लैला के इशारों पे चलेगा, और फिर अंकल फोन करें, दादी या बाबा, वो किसी का फोन नहीं उठाएगा। सुबह से ये वक्त हो गया है, ये घर से नहीं निकली, हैरत,
वैसे तो सारा वक्त बाहर ही फिरते रहती है, लेकिन मैं भी आज मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अफाक, कुदरत ने कैसा सितम किया मुझ पर। दिल में आपको बसाए मैं किसी और की हो गई और आपको भी दिल से निकाल ना सकी, और अब मेरे इर्द गिर्द इतनी रुकावटें हैं कि मैं मजबूर हूँ, इन्हें दूर करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं एक दिन ज़रूर आपको पा लूँगी। काश आप इनकार ना करते तो आज हम एक होते। ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लें। गुल। पता नहीं वो घर पर है भी या नहीं, लेकिन इसके ससुराल भी तो बराबर में ही है, तो यही होगी। गुल, मैं कब से तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए तरस रहा था। बदकिस्मत हूँ, तुम्हें पाके खो दिया, मगर अब हर कीमत पर तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। तुम हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, कल क्या हुआ मुझे बताना नौफल, तुम पर इतना रोब झाड़ रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मेरी शादी नौफल के कज़न से हुई है और ना उसने ना उसे सब कुछ बता रखा है, तो इसलिए वो गुस्सा कर रहा था। खैर, मैं उसे समझा लूँगी। आप सिर्फ मेरी इतनी दरख्वास्त है कि मेरे घर से किसी का भी फ़ोन आए तो रिसीव ना कीजिएगा, और ना किसी अननोन नंबर से। बात बिगड़ गई और सब घर वाले आपके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे आपको कोई नुकसान पहुँचे। और हाँ, जब तक मैं खुद मैसेज ना करूँ इस नंबर पर या कॉल ना करूँ, तो आप भी नहीं कीजिएगा। वैसे इस नंबर से आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं जब ये मेरे पास होगा। मगर प्लीज़ गुल, तरस खा के रोज़ाना एक मैसेज कर लिया करें, और आपका हुक्म सर आँखों पर, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना जाओ जिब्रान यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हें लिए बगैर, मैं हर किस यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिब्रान, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती, और अगर तुमने ज्यादा मुझे तंग किया ना तो मैं यही घर वालों को सब बता दूंगी। वैसे ही सब हार खाए बैठे हैं तुमसे। तुम चाहे सारी दुनिया को घुमाओ, ये तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। क्या नई मुसीबत आ गई, अगर किसी ने देख लिया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो तुम नहीं जाओगे, ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। खुशरा, देखो मुझसे गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें छोड़, मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल पे सब समझाती हूँ। मैं तुमसे वादा करूँगी कल तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। इसे कैसे भगाऊं यहाँ से। जिब्रान प्लीज अभी तुम जाओ, वरना मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसे भी चैन नहीं, सारा दिन फोन लेके बैठा रहता है, लगता है ये कोई काम वाम नहीं करता। बात कर लेती हूँ और समझा दूंगी कि ये किसी का फोन ना उठाए, ऐसा ना हो कि अंकल फोन करे और ये फोन उठा ले। जी अफाक भाई, रुशना आज मेरी गुल से बात हुई। जी उसने बताया था मुझे अफाक भाई। अब तो उससे मिलने को दिल बेचैन और बेकरार हो गया है। ये अफाक से बात करी है, मगर क्यों, इसका क्या ताल्लुक है अफाक से। अच्छा प्लान बनाया था फाक भाई, लेकिन क्या करूं, किस्मत ने साथ नहीं दिया आपकी, एंड टाइम पे ना नौफल आ गया। कुछ करो रुशना, कुछ करो, मुझे मिलना है गुल से।
पता है तुम्हें, आज उसने पहली बार मोहब्बत का इजहार किया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मिलना है उससे। अफाक भाई फिर तो ट्रीट पक्की। अरे ट्रीट क्या, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद का गिफ्ट दूंगा, तुम बस मुझे उससे मिलवा दो। थोड़ा सब्र और कर लें, आपको पता है ना बात बिगड़ गई है। मैं उसे जरूर भिजवाऊंगी लेकिन कुछ दिनों बाद। और हाँ एक बात का ख्याल रखिएगा, हो सकता है मेरे घर वाले ना आपको फोन करें, बस आपने फोन नहीं उठाना। आप किसी की भी कॉल रिसीव नहीं करेंगे, चाहे बाबा हो, दादी हो या फुफ्फो, या फिर अननोन नंबर हो, समझ गए आप? आप परेशान ना हो, मैं गुल से मिलने का प्रोग्राम जल्दी बनाऊंगी, गुल को लेकर आऊंगी आपके पास। जी खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो मेरा शक सही निकला, ये रुशना की ही साजिश है जो अफाक के साथ मिलकर कर रही है। मैं अभी जाके बाबा को बताती हूँ। नहीं नहीं, बगैर सबूत के मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, और फिर रुशना भी होशियार हो जाएगी। इसे तो रंगे हाथों पकड़ना है। अगर मुझे अफाक का नंबर मिल जाए तो मैं पहले इससे बात करूँ और सारी हकीकत मालूम करूँ कि रुशना ने आखिर इससे क्या झूठ सच कहा है, क्योंकि गुल को तो कुछ मालूम ही नहीं। रुशना कह रही थी कि वो गुल को मिलवाने लाएगी। अरे गुल बेटा क्यों रो रही हो तुम इतना, बस चुप हो जाओ। देखो तुम्हें अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया है, और इस तरह तुम रोती रहोगी तो बच्चे की सेहत के लिए बहुत नुकसान दे। जिस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले उसका बाप उसकी माँ को ठुकरा चुका, नजर से गिरा चुका, दिल से निकाल कर फेंक चुका, वो माँ कैसे खुश रह सकती है नानी जी? अरे बेटा अगर तुम्हें यकीन है अल्लाह पर तो तुम देखना कि तुम्हारा सच बहुत जल्द सामने आएगा। देखो जो कुछ भी हुआ बेटा उसमें इस मासूम का क्या कसूर, तुम कम से कम वो हक तो पूरा करो। अरे बेटा देखो तुम्हारे ऊपर फर्ज है इस नन्ही सी जान का ख्याल रखना, ये तुम्हारे अंदर सांस ले रही है बेटा, अगर तुम इस तरह करोगी तो बच्चे के लिए बहुत बुरा है। और बेटा कोई हो ना हो वो तो हर वक्त तुम्हारे सांस है ना, सांस ले रहा है, तुम्हें अपने को खुश रखना होगा बेटा, ताकि वो भी दुनिया में खुशी खुशी आ सके बेटा। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं गुल, अब तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान है जिसकी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम्हें ये जिम्मेदारी खुशी खुशी निभानी है। उस बच्चे के लिए अपनी जात की नफी करनी है, और माँ का रुतबा तो अल्लाह ने बहुत बुलंद रखा है। और उस रुतबे को पाने के लिए माँ को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बहुत सारे इम्तहानों से गुजरना पड़ता है, और मेरी बेटी का इम्तहान तो अब शुरू हुआ। अम्मी एक बात बताओ। पूछो। क्या अल्लाह ताला ने मेरा और आपका नसीब एक ही कलम से लिखा है? मेरी पैदाइश के वक्त मेरे बाप ने आपको छोड़ दिया, आपने अकेले मेरी परवरिश की, और अब शायद शायद मैं भी। ऐसे मत कहो, गुड
बेटा, ऐसा मत बोलो, चला सब कुछ ठीक होगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं बेटा, अल्लाह के साथ से मायूस कभी नहीं होते। इतनी बहादुर नहीं हूँ मम्मी, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ बेटे। माँ को बहादुर बनना पड़ता है। आपके खाने का क्या करना? नौफल ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा उसकी पसंद का दम का कीमा बनाऊं, तो वही बना रही हूँ। बल्कि बन गया, तुम रात का खाना देख लेना। आज नौफल ऑफिस नहीं गया? नहीं, पता नहीं कहाँ रात भर मारा मारा इधर उधर फिरता रहा या पड़ा अपने कमरे में सो रहा। अच्छा ये बताओ, वो गुल की तबीयत कैसी है अभी? क्या कहा डॉक्टर ने? बस कुछ नहीं, थोड़ी वीकनेस हो रही थी, बीपी लो हो रहा था, उसका चक्कर भी आ रहे थे, मेडिसिन दी और बेड रेस्ट। अच्छा चलो तुम किचन संभाल लेना, मैं ज़रा नमाज पढ़ के जाऊँ, जाके उसकी तबीयत पूछाऊँ, वरना अम्मा कहेंगी कि झूठे मुँह आके पूछा नहीं। और किचन संभाल लेना। हाँ जी जी। काश मैं आपको बता सकती कि आपके घर में कितनी बड़ी खुशी आई है, मगर अब कैसे कहूँ। आंसुओं डूबी इस खुशी को कोई महसूस भी नहीं कर सकता। भाभी, भाभी। हाँ गुल भाभी को क्या हुआ? क्या नहीं हुआ उस बेचारी के साथ, दुखों ने तोड़ दिया उसे। मैं आपसे एक बात कहूँ भाभी, गुल भाभी और नौफल भाई को ना नजर लग गई है। वो दोनों जब एक साथ हंसते बोलते या कहीं जाते हैं ना, तो लोगों को हसद होता है। लोगों को? कौन से लोगों को? आशा बुरा मत मानेगा भाभी, वो जो रुशना बाजी है ना, वो भैया और भाभी से जलती हैं। मैंने देखा है, वो जब उन दोनों को साथ देखती है ना, तो उनकी आंखों में जलन और नफरत होती है। ऐसी कोई बात नहीं, रुशना क्यों जलेगी उससे, उसकी बहन है वो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। अच्छा जाओ तुम किचन में, किचन देखो मैं आ रही हूँ। जी भाभी। शुक्र है ये खतरा तो टला, कह तो दिया था फाक से, मगर वो कहीं अगर गलती से उसने फोन उठा लेता तो सब बर्बाद हो जाता। हाँ यार, बस अंकल के बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, छोड़ के आने का दिल ही नहीं चाहता। अब ऐसी भी बात नहीं है, एक्चुअली यहाँ एक दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जैसे ही ख़त्म होते हैं ना फिर आते हैं। यस एग्जैक्टली, डैड भी बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ जिब्रान, उनके तो इंटरेस्ट ही कुछ और हैं, बिजनेस में तो उसका दिल ही नहीं लगता। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, आई हैव टू लीव, ऑफिस का भी बहुत काम है। ओके सुबह आंटी, इतने अरसे बाद। परीशा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आप, किसी के साथ तो नहीं आए मेरे साथ बैठे? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत खुशी हुई आपको देख के, आप कनाडा नहीं शिफ्ट हो गई थी? बस डैड की डेथ के बाद मैं जर्मनी से कनाडा चली गई थी, पर वहाँ पर भी दिल नहीं लगा तो पाकिस्तान आ गई। ओह आई सी,
अच्छा तुम पाकिस्तान में क्या कर रही हो? I got married here. शादी हो गई है मेरी. वाकई? तो कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड और तुम अकेली क्यों हो? हस्बैंड, लॉन्ग स्टोरी, आराम से सुनाऊंगी आपको. फिलहाल तो मुझे आप अपना नंबर दें, जरा गेट इन टच. ओके. बताएं मुझे क्या क्या होता रहा है. आज तो लगता है रात ही नहीं हो रही. कब रात हो और कब तुम्हारा मैसेज आए और तुम मिलने का वादा करो. दिल तो चाहता है कि तुम्हें फ़ोन करूं, मगर सोचता हूं कहीं नौफल तुम्हारे आसपास ना हो. वैसे क्या तुम खुश हो नौफल के साथ? ख्याल रखता है वो तुम्हारा या फिर तंग करता है? तुम उसे छोड़ो और मुझसे शादी कर लो. पागल, ये शायद समझ जाए कि नौफल से मेरी शादी हो गई. काश काश ये सच हो जाए. रुशना, मेरी वजह से तुम्हें जितने भी दुख पहुंचे, मैं उन सब का अजाला करना चाहता हूँ. मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो. मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं अब भी मेरी मोहब्बत मौजूद है. कितनी खुशफहमी है इसे, जैसे मैं एक बार फिर से बेवकूफ़ बन जाऊंगी. तो तुम क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? गुल का सदमा लग गया है क्या? गुल का? हाँ ना, कल बिचारी की पारसाई का भांडा जो फूट गया सबके सामने, पूरे खानदान के सामने किस कदर जलील हुई है वो. मगर नौफल की आंखें खुले तब ना. इसे मुझे नहीं लगता कि गुल ने ऐसा कुछ किया होगा. एक नंबर की डरपोक है. शौहर के होते हुए वो किसी को क्यों बुलाएगी भला? हाँ हाँ, गुल तो फरिश्ता है. अम्मी एक बात याद रखें, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं. लेकिन मैं ये सोच रही हूँ वो तुम्हें लेकर क्यों गई, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम उसके राज पर कभी पर्दा नहीं करती. भाई आप क्यों जासूसी कर रही हैं? किस काम से आई थी मेरे पास बताएं? क्या काम है आपको? तुम किस कदर बदतमीज हो गई हो रुशना. शहूद बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम्हारी सरकशी का ना कोई इलाज करना पड़ेगा. मैं आज ही अम्मा से कहती हूँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं, तुम्हारी शादी करें, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आए. अम्मी अम्मी मेरी बात. अम्मी को तो बस अब मेरी शादी की पड़ी हुई है. मरियम, तुम सोचो मैं गुम हूँ भाई. कुछ नहीं, मैं जानती हूँ तुम नौफल और गुल की परेशानी में उलझे हुए. लेकिन बेटा, वो लड़की जब खुद ही अपना घर नहीं बचाना चाहती तो तुम भला क्या कर सकती हो या कोई क्या कर सकता है उसके लिए? तुम बिला वजह सोच सोच के अपनी तबीयत ना खराब कर. मैं आपको गुल के बारे में शदीद गलत फहमी. आप तो उसे मुझसे ज्यादा जानती हैं, फिर ऐसा क्यों सोच रही हैं? ठीक कह रही हो, बाज़ दफा इंसान को किसी को पहचानने में बहुत देर हो जाती है. खैर, तो सब कुछ सामने है, तो ना समझने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. बाज़ औक़ात हम लोगों को पहचानने में इतनी देर कर देते हैं कि जब होश आता है तो पानी सर से ऊंचा हो चुका होता है. ये कहाँ कह के चली गई? अभी तक इसको समझ नहीं आ रही. पागल हो गई है गुल की मोहब्बत में बिल्कुल. कैसी तबीयत है गुल की? अब तो बेहतर है बेटा पहले से. डॉक्टर ने क्या कहा? कह रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गए और यूं भी उसने इतना स्ट्रेस लिया हुआ है. अम्मा समझाएं उसे, समझाएं उसे कि जो होना था वो हो चुका. ये तो पहले सोचना चाहिए था ना. अगर अफाक ने उसे कॉल की थी
तो वो रابता ना करती, और रابता किया था तो नौफल को बताना चाहिए था। लेकिन अम्मा पार्क नहीं जाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे मिलने के लिए गई थी, हो सकता समझाने के लिए गई हो, लेकिन अम्मा पार्क नहीं जाना चाहिए था उसे। वाह मेरे अल्लाह मियां, कैसी काया पलटी है ना। हांजी के गुन गाने वाले होंठ आज उसमें ऐब निकाल रहे हैं। वाह, ये तुम क्या कह रहे हो शहू? गुल के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? गुल तो हमारी वो लड़की है जो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे खानदान की बदनामी हो। और एक बात और, गुल तो घर से निकलना ही नहीं चाहती थी, ये तो रुश्ता उसको जबरदस्ती लेके गई है पाग। रुश्ता? बस कर दे अम्मा, माना कि वो बुरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गलती की सजा उस पे डाल दी जाए। ये तो इंसाफ ना हुआ अम्मा। शहूद, ये क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी और मेरी कुछ नहीं लगती वो, मैं अपनी बच्ची पर कीचड़ उठा लूंगी, ये कह रहे हो तुम? और मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम्हारी बच्ची पर, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि रोशना उसे जबरदस्ती समझा बुझा के पार्क लेके गई थी, वो तो घर से निकलने ही नहीं चाह रही। दूसरी बात ये, वो आप को कैसे बुलाएगी वहां? उसका तो दो दिन से फोन मेरे पास पड़ा हुआ था, चार्ज भी नहीं था, बंद हो चुका था उसका फोन। फजूल की बातें। अम्मा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब वो हरगिज नहीं था। लेकिन आप खुद बताएं, क्या हर गलती की जिम्मेदार रुश्ता है? नहीं है ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शहूद। नौफल की हालत देखी नहीं जाती, दूसरी तरफ गुल भी सदमे से बीमार है। हमें इन दोनों का घर टूटने से हर सूरत में बचाना है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मरियम कहाँ है? वो गुल के पास गई। चलो अच्छा किया, उस बच्ची पे इस वक्त जो मुसीबत टूटी है उसे हम सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सपोर्ट कैसे? गलती उसने की है तो सजा भी वही भुगतेगी। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? गुल ऐसी नहीं है। कहाँ जा रहे हो नौफल? बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ। पता नहीं क्या लिखा है मेरे बच्चे के नसीब। अल्लाह इसे बस इस आजमाइश से निकाले किसी तरह। आमीन। ये बच्चे के नसीब में तो बस सिर्फ आजमाइश ही लिखी है। असद, नौफल तुम्हारी बहुत बात सुनता है, उसे समझाने की कोशिश कर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से और जज्बात में अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा दे। जी बाबा, मैं बात करूंगा उससे, लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है अभी हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है, इस फेज से निकल आए। मैं ज़रूर बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात सुनेगा। चलो ठीक है, तुम उसे अपने तौर पे समझाने की कोशिश करो, और मैं अम्मा जी से आफाक का नंबर लेके उससे बात करता हूँ, ताकि हमें हकीकत का सही तौर पर मालूम हो जाए। रुशना जबरदस्ती मुझे लेके गई थी, आप चाहें तो नानी जान से पूछ लें। जब मैं वहां पहुंची तो फिर वहां अफाक आ गया और उसके पीछे नौफल, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा उधर हुआ क्या। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। क्या? कौन इस साजिश के पीछे है? साजिश है? कैसी साजिश है? मुझे अपना फोन दो। ये लो, इसमें आफाक का नंबर है। ता नहीं, मैंने उसके सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए और अब दो तीन दिन से मेरा फोन बंद है। पता नहीं अगर उसने वापस कोई मैसेज किया हो तो। मैसेज तो आया वो। भाभी इसको डिलीट करो
और इसका नंबर ब्लॉक कर दी बस। लेकिन मुझे ये नंबर चाहिए, पहले मैं अपने मोबाइल में सेव करूंगी और फिर डिलीट करूंगी। क्यों? बताती हूँ। गुल तुम कहाँ हो, इतने दिन से रिप्लाई नहीं किया, मैसेज पढ़ लेती हो फिर भी जवाब नहीं देती हो, लेकिन मुझे ये इत्मीनान है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया। क्या हुआ गुल? इस मैसेज में जो अल्फाज यूज़ हुए हैं वो आफाक के नहीं लग रहे, क्योंकि दो चार मुलाकातें हुई हैं आफाक से और इतना तो मैंने जज कर लिया था कि वो काफ़ी खुश मिजाज और कम गो है। खैर अभी तो मुझे उससे बात करनी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपको आफाक से बात करनी है? क्यों भाभी? ये नंबर तो मुस्तकिल बन जा रहा है, आप उससे क्यों बात करना चाह रही हैं? क्या कहेंगी उससे? क्योंकि तुम समझ नहीं रही हो गुल, कोई जरूर है जो गुल बनके उसको मैसेजेस कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, इल्जाम तुम पे आ रहा है। कह रही हूं कौन करेगा ऐसा और क्यों? वो जिसे तुम्हें नौफल की जिंदगी से निकाल के सकून मिले और कोई फायदा होगा।